अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त से मिलवाऊंगा जिसने छोटी सी एज में बहुत बड़ी सक्सेस ली है और बहुत अच्छा लड़का है और बहुत प्यारा भी है, बहुत अच्छा काम करता है और उसके जो है ना उसके पास क्यूरीज बहुत होती है। वो सवाल बहुत अच्छे करते हैं और बहुत ज्यादा भी करता है, तो सीखने को हमें भी कुछ बहुत ज्यादा मिलता है और उससे भी हम सीख लेते हैं, वो भी सीखने को उसको बहुत लगन है। तो हम उससे बात करेंगे कि उसका पूरा नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो अपना फुल नेम बता दीजिए हमें, आपका फुल नेम क्या है? ओके, मेरा नाम हसन खान है और मेरी बिलोंगिंग कराची से ही है। आप कराची के किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मेरा एरिया लियाकताबाद है लियाकताबाद में। आप हसन भाई क्या करते हैं, सर। मैं स्टूडेंट हूँ, सेकेंड किस क्लास ईयर में? का। सेकेंड किस ईयर सेकंड ईयर? क्या, वेरी गुड। सेकंड ईयर आप किस किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में करें, जबरदस्त। इंजीनियरिंग में कौन से डिपार्टमेंट में? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में, वेरी गुड। इसमें तो लोग जाना ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने तो बचपन में यही सुना कि ये मैथमेटिक्स से जो है ना जिनात की लैंग्वेज है, तो आप पता नहीं कैसे उसके नहीं, साथ ऐसा जो कुछ नहीं है, आप उसके ऐसा साथ कुछ भी कैसे नहीं चल है। रहे हैं। असल में तो मेरे और मैथ के रिलेशन जो है काफी अच्छे हैं, मेरे को मैथ अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। सही, जबरदस्त। तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे नंबर उसमें लेंगे और मैथमेटिक्स से इंशाल्लाह, करके आप बहुत बड़े थैंक यू। प्रोफेसर बनेंगे और आप उसके ऊपर बड़ी अच्छी, आप बहुत आसान करके जो नए लोग आएंगे उनको बड़े आसानी की तरीके से इंशाल्लाह आप उसको सिखाओगे। और असन आप बताओ कि आप फेसबुक कब से यूज कर रहे हैं? फेसबुक में अराउंड 2 साल से यूज कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो। तो 2 साल पहले आप के यानी जब आपने स्टार्ट किया था जी, तो आपके कितने फ्रेंड थे, अब कितने फ्रेंड है अब तो मेरे अराउंड 2500 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर टोटल। ट्वेंटी टोटल? 500 फ्रेंड्स है, 2500 फाइव फ्रेंड। हंड्रेड सही, जबरदस्त। तो आपने फ्रेंड्स क्यों बढ़ाए, क्यों बढ़ाया आपने फ्रेंड्स का रेशो? सरयान के साथ म्यूचुअल फंड बनाने के लिए। तो आपने सरयान अला वाला को क्यों फॉलो किया, किस हिसाब से, कि आप क्या चाहते थे उसे? मेरे टीचर थे, टीचर हैं सर फ्रांस सिकंदर, तो उनके रेफरेंस से मैं आपसे मिला था मिस्टर अब्दुल फजल। तो आपने जब मुझे बताया कि सर हैं ये ऐसे इस तरह करते हैं और जी उनको फॉलो करो, उनके साथ म्यूचुअल फंड बनाओ, मोबाइल जीत सकते हो ये वो, तो मैंने मोबाइल के लालच में किया था पहले तो सर को फॉलो। लेकिन फिर जब हाँ, मैंने फ्रेंड बनाया ऐसे ऐसे मैंने उनसे बातचीत करी, काफी सारे फ्रेंड से मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ से मैंने बिल्कुल जो व्यूज थॉट से मेरे चेंज हो गया। मैंने कुछ इसराइल के दोस्तों से बात की, कुछ इंडिया के दोस्तों से बात की, इस तरीके से मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिला। मैंने काफी कुछ उनके बारे में जाना कि वो उनके ख्यालात क्या हैं। तो आपने अब तक कितने फ्रेंड्स बनाए सर रेहान अला वाला के साथ? मैंने सर रेयान के साथ 950 फ्रेंड्स कर दिए हैं, 900 फ्रेंड्स बनाए, साढ़े तो नौ सौ 950, जबरदस्त। तो आपने मोबाइल विन किया? बिल्कुल मैंने मोबाइल विन किया, अच्छा, मोबाइल आपको मिल भी गया, बिल्कुल मिल भी गया है। ठीक, जबरदस्त, वेरी गुड। आपको मुबारक हो मोबाइल के लिए। और आप अभी और फ्रेंड्स ज्यादा बढ़ाओगे या यहाँ पे क्लोज कर बिल्कुल लोगे? बिल्कुल बना रहा हूँ मैं, और ज्यादा बना रहा हूँ। अच्छा, और ज्यादा बना रहे। तो इस फ्रेंड्स बनाने से आपको कोई आपकी फील्ड के मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई आपके दोस्त बने? खैर, मैथमेटिक्स की फील्ड तो मैंने सेकेंड ईयर के लिए चूज़ की, लेकिन आगे जाके मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे मिले हैं जो कि मेरे इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। फ्यूचर में यानी तुम्हारी हेल्प कर बिल्कुल सकते हैं। और आपने अदर कंट्रीज के फ्रेंड्स बनाए और उनसे बातचीत बिल्कुल, की आप? सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने फ्रेंड्स इंडिया से बनाए हैं, उन पर उनसे मेरी ज़्यादातर पीस के टॉपिक पर ही बात होती है। अच्छा, इंडिया से, यानी आप पीस पे ऊपर काम करना चाहते हैं और बिल्कुल पीस का जो है ना मैसेज भी देना चाहते हो कि पीस हो बिल्कुल दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो जी हमारी लड़ाइयाँ ना हो, तो हम जी ग्रोथ करें, तरक्की करें। वेरी बिल्कुल, गुड, आपकी जो थिंकिंग है हसन भाई बहुत जबरदस्त है। अल्लाह थैंक पाक यू। आपको और जो है ना इसमें सक्सेस दे। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्रेंड्स फेसबुक के ऊपर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये रेहान अला वाला की जो स्कीम है वो अच्छी है या नहीं? बिल्कुल आपको बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नए दोस्त बनते हैं आपके, आपके थॉट्स बदल जाते हैं, थिंकिंग बदल जाती हैं, और आपको बेनिफिट्स होते हैं कि उनसे कुछ काम हो तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं।
सही, जबरदस्त। यानी हमारा जो कोई ऐसा काम हो तो हम उनसे दोस्त बढ़ाते हैं, तो हम उनसे वो काम ले सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। यानी बिल्कुल ये आपका ऐसे थॉट है या बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस है? ये मेरा फ्रेंड का जो फ्रेंड्स उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। आपका यानी एक्सपीरियंस है, आपने वहां से बेनिफिट्स लिए। तो आप आजकल क्या कर रहे हैं हसन बिल्कुल, भाई? आजकल मैं सरयान के ही ऑफिस में होता हूँ सुपर टेक्नोलॉजी में, वहाँ पर लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स करता हूँ। सही, जबरदस्त। यानी आप अभी इंटर्नशिप पे जॉब पे लगे बिल्कुल हो उसी ऑफिस में जिसको आप पहले बिल्कुल फॉलो करते थे, और उसी के जी आपको जी यानी इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटीज वहां पे आप कैसे पहुंचे? वो तो इंटरनेशनल फिगर है, तो बिल्कुल, उसका कोई पहुंचने का आपका तरीका क्या था? उसका तरीका यही था कि वहाँ पर मेरे मेंटोर्स मिस्टर अब्दुल फतेह सुमरो काम करते थे, और उसके अलावा सर से भी हम काफ़ी दफ़ा मिल चुके थे। सर को हमने बोला था कि सर हमें इंटर्नशिप चाहिए और हमें आपके पास आ गया और कुछ सीखना है, काफ़ी काम करना है आपके साथ। तो सर ने फिर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे और मेरे फ्रेंड अकलैन को, और हम दोनों फिर यहाँ पे एक साथ ही हमने ज्वाइन किया, सही, और ये हमारा सेकेंड जबरदस्त, वीक है ज्वाइन किए हुए। सही, जबरदस्त। तो आजकल आप इंटरव्यूज कर रहे हैं और कुछ और बिल्कुल चीजें भी आप कर रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो। जी, वाटर सही, डिसेलिनेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। सर ने हमें एक टास्क दिया है, मुझे और सकलेन को, खारे पानी को मतलब पीने लायक किस तरह बनाए, तो वाटर डिसेलिनेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। जबरदस्त, गुड। और हसन, आप जो है ना पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? वो क्या करे, कैसे, जैसे दुनिया हमारी ग्लोबलाइज बनती जा रही है, तो वो क्या कर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके? पाकिस्तान के लिए यूथ के लिए तो एक मैसेज है, एजुकेशन हासिल करें, अच्छी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें। सही। और हमारे जो है ना वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दीजिए प्लीज, जो इंग्लिश में, पीस का मैसेज तो यही होगा कि इंग्लिश में हो, वो इंग्लिश में हो। ओके, एवरीबॉडी शुड लिव विद पीस एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर इज रिस्पेक्ट, वी शुड लिव विद डाइवर्सिटी, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, ईच अदर्स कास्ट एंड ईच अदर्स नेशनलिटी, वी शुड रिस्पेक्ट ऑफ वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड लव देम, इफ बिकॉज इफ विल वी विल गिव रिस्पेक्ट, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट रिस्पेक्ट इन द बैक इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट थिंग। थैंक यू हसन भाई, आपने हमें टाइम दिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने हमें देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और फिर कभी आपके नए दोस्त से मुलाकात करेंगे और नए दोस्त को आपको बताएंगे कि उसकी सक्सेस कैसे जा रही है और क्या करने चाह रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।